देख लिया खुश हो गए चलो ख़त्म वीडियो। नहीं नहीं बस बता रहा हूँ बता रहा हूँ और बी एल डी सी फैन हमने क्यों खरीदा और क्या रीज़न था नहीं था सबके थ्रू चलते हैं आ, सबसे पहले बी एल डी सी फैन क्यों लिया देखो हमारे एरिया में ना क्या है ना कि बिहार है पूर्णिया है इधर वोल्टेज वगैरह यार सही नहीं रहता जो रियलिटी है कभी कभी डेढ़ सौ वोल्ट चला जाता है और कब जाता है जिस समय पंखे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती होती है गर्मी में है ना जब ज़्यादा जरूरी होती है गर्मी ज़रूरत होती है गर्मी की ज़्यादा लोड वगैरह तो सेंक्शन करते नहीं हैं हर एरिया में जितना चाहिए कम ज़्यादा करके कर देते हैं अब वो नॉर्मल पंखा तुम्हारा जो ख़रीदते हो तेरह सौ चौदह सौ वाला वो स्पीड में चलता नहीं मेरा दे हो गया था दिमाग ख़राब गर्मी लगती थी भाई करे तो करे क्या उसमें समय ए सी नहीं था तो यही रीज़न था कि मैंने एक बी एल डी सी फैन को कंसिडर करना शुरू किया दूसरा रीज़न था उस समय मैं सोच रहा था कि सोलर ट्राई करते हैं एक बार बहुत मन था ट्राई करने का इनफैक्ट अगर पैसे वैसे होंगे एक्स्ट्रा ट्राई भी करेंगे आ, बट उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि क्यों मेरे को वो सही डील नहीं लगा ठीक दूसरा घर पे पावर बैकअप है और ये जो एरिया है ना यूजुअली तो लाइट ऐसा दिन भर रहती है लेकिन अगर कट जाए ना कभी बारिश हो गई तेज़ आंधी वगैरह आ गया तार वार कहीं गिर गया तो एक दिन दो दिन तक एक दिन तो आराम से कट जाती है लाइट और वो तो बैटरी उतना तो ले नहीं रखा जो है वो है तो उसमें तीन रूम में तीनों पुराना वाला पंखा चलने लग जाता है तो टाइम नहीं लगता बैटरी बैठने और ये पंखा उनसे तीन टाइम्स ज़्यादा चलेगा तो जब लाइट वगैरह ज़्यादा लंबी कटती है तो हम बाकी रूम के फ़ैन को बंद करके सब इसी रूम में आके बैठ जाते हैं ख्याल चलो आगे एच एल पी वी फैन क्यों नहीं लिया है ना एच एल पी वी फैन में यही चीज़ है कि वोल्टेज अगर कम होगी ना तो वो स्पीड में चलेगा फिर मैं सोचा कि पावर कंजुम्पन सेम है क्या करूँगा एच एल पी वी फैन लेके जान जय भार में सॉरी रेट भी सेम है और पावर कंजम्पशन ज़्यादा है पचहत्तर वाट है या अट्ठाईस वाट है बात ही खतुँ दूसरा हाउ लॉन्ग टू ब्रेक इवन अब तुम अगर नॉर्मल पंखा ले रहे हो नॉर्मल पंखा से अगर तुम बी को कंपेयर कर रहे हो नॉर्मल पंखा तुम्हारा पचहत्तर वाट के करीब का आता है है ना और बी एल पंखा अट्ठाईस वाट का आता है डिफरेंस हो गया सैतालीस वाट पर यूनिट एक घंटे में इतना चौबीस घंटे अगर फुल चला दिया जो चलता है गर्मी में अपन चलता है पूरा चौबीस का चौबीस घंटे चलता है एक घंटा भी मुश्किल से पंद्रह मिनट बंद होता होगा जो रूम में झाड़ू होता है बस उतने देर नहीं तो पूरा चलता है वो तो एक महीने में नॉर्मल रनिंग चौवन यूनिट या बीस यूनिट बेसिकली तीस यूनिट का लगभग तुमको मोटा मोटी फ़र्क पड़ जाता है एक महीने के अंदर तीस यूनिट का अगर तुम पूरा चला दो सुबह शाम तक और पंखे का दाम वो करीब तेरह सौ का पड़ता है किसी भी कंपनी का लो बी वाला करीब पैंतीस सौ का पड़ता है किसी भी कंपनी का लो करीब बाईस सौ का अंतर बढ़ जाता है एवरेज यूनिट मैंने ऐसा सर्च मारा छः रुपया यूनिट है नोएडा वगैरह में तो आठ रुपया यूनिट मकान मालिक मकान मालिक लोग ले लेते हैं और यहाँ बिहार में भी जैसे एक पर्टिकुलर यूनिट क्रॉस कर जाता है ना डेढ़ सौ दो सौ यूनिट उसके बाद छः रुपये यूनिट पड़ ही जाता है दिल्ली में तो मत ही पूछो कहते हैं चार रुपये यूनिट टैक्स वगैरह सब कुछ ऐड ऐड करके अगर दो सौ यूनिट के अंदर नहीं है तो वहाँ पे भी इतना रुपया चला ही जाता है तो एवरेज मैंने नेट पर भी देखा तो छः रुपये ही एवरेज ऑल ओवर इंडिया का बता रहा है ठीक है तो बाईस सौ रुपये तुमको एक्स्ट्रा पड़ा टोटल यूनिट ब्रेक इभिन करने के लिए तुमको चाहिए तीन सौ सड़सठ यानी कि अगर तुम ग्यारह महीना पूरा पंखा चला लोगे तो बिजली जो एक्स्ट्रा खर्च होगी नॉर्मल पंखे में वो हो जाएगी तुम्हारी बाइस मतलब कि तब ब्रेक इवन हो जाएगा या तो तुम एक नॉर्मल पंखा को ले लो ग्यारह महीने ग्यारह महीना नहीं कहना चाहिए ग्यारह महीना कौन चलाता है ठंडी वगैरह मान लो कि एक साल में तुम छः महीना ही चला ठीक है तो दो साल में लगभग तो तुमने एक नॉर्मल पंखा लिया पचहत्तर वाट वाला और एक बी लिया अट्ठाईस वाट वाला ये पैंतीस का पड़ा ये तेरह सौ का पड़ा दो साल के अंदर दोनों का कॉस्ट बराबर हो जाएगा उसके बाद बी एल तुमको पैसा बचाना शुरू कर देगा दो साल के बाद क्योंकि यूनिट तो कम लग रहा है ना पचास यूनिट करीब कम पड़ रहा है ना लेकिन दो साल मतलब बेसिकली तुमको दो साल के बिजली का पैसा स्टार्टिंग में देना पड़ेगा तो टू ईयर्स एवरेज पंखे की गारंटी थी तीन साल क्रॉम्पटन का फ़ैन क्यों नहीं लिया मैंने इस रेंज में क्रॉम्पटन का मेरे पास एक्चुअली बहुत कुछ है क्रॉम्पटन का दो गीज़र है एक आ, क्या कहते हैं उसको पानी वाला टंकी क्या कहते हैं जो भी है वो है एक क्रॉम्पटन का फैन है घटिया सा जो ज, ज, जो रूम में सोलो चलता है जिसकी वजह से ये फ़ैन खरीदा था तो जो लॉन्ग टर्म अमेजोन पे रिव्यू थे जिसने लंबे टाइम तक चलाया था उनका उन, उनका रिव्यू देख के मुझे सही नहीं लगा छः महीने के अंदर आउट ऑफ वारंटी हो गया कुछ हो गया बिल्ड क्वालिटी सही नहीं था और भले ही ये पाँच साल की गारंटी दे रहा था क्रॉम्पटन और अपनी गारंटी को फुलफिल कर देता तो ऐसी बात नहीं है लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ कि यार मेरा उस समय यहाँ पर ठिकाना नहीं था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकू उस समय था कि यहाँ से जाऊँगा जहाँ जॉब होगा वहाँ जाऊँगा यहाँ पर घर वालों को फालतू का डील करना पड़ेगा मैं वो मैं वो नहीं कर सकता था तो मैं क्रोमटन को नहीं साइड किया एटमबर्ग सब बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो एटमबर्ग ही लेके आया मेनली सर्विस का इशू था मेनली सर्विस का इशू था यार कहाँ है टेक्नीशियन क्या है नहीं है कौन आएगा नहीं आएगा सही करेगा क्या होगा रिव्यू भी खुश रिव्यू भी देख के मैं खुश नहीं था अच्छी है कंपनी है लेकिन अगर कोई और नहीं होती ना मजबूरी में मैं ले लेता है टमर को सही बताना लेकिन और ये एक, एक आध रिव्यू था उतना रिव्यू से प्रॉब्लम नहीं था लेकिन देखो मेन बात है नेगेटिव रिव्यू देखने का क्या है कि भाई नेगेटिव में क्या नेगेटिव है मुझे ये जानना होता है और कितना मतलब पैटर्न खोलने की कोशिश करता हूँ कितना प्रेविलेंट है ये यही रीज़न था कि देखोगे इसमें कि एयर पंखा तो बढ़िया है लेकिन एयर का फ्लो नहीं है है ना तो खैर वो अपनी जगह मेन बात था है का सर्विस का मैं रहूँ ना रहूँ तेरी याद साथ है मैं रहूँ या ना रहूँ यहाँ पर अगर एक फ़ोन लग जाए सर्विस वाले को तो घर आए पंखा ले जो पैसा लगे कम तो से कम ठीक करके तो जाए हमें उतार के खोल के डब्बा में पैक करके तो नहीं भेजना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी ओरियंट क्यों ऑनेस्टली इतने सारे कंपनी देखने के बाद मन तो कोई लगा कि कोई नहीं खरीदो <laughs> आजकल अमेजन रिव्यू ऐसे ही हो गया कि इतना निगेटिव, इतना निगेटिव इतना निगेटिव इतना निगेटिव या इतना फेक मन ही नहीं करता खरीदने का यही एक सर्विस ओरिएट का फैन था जिसमें लिखा था इंस्टॉलेशन इज़ फ्री मैंने सोचा यार थोड़ी मेहनत बच जाएगी ले लेते हैं उस समय जॉब था पूरा फुल टाइम यही सोच के मैंने ऑर्डर किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ घंटा कोई नहीं है ओरिएट वाले को मैंने पूछा फ़ोन करके बोला सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ अमेजोन पे बोला कि नहीं है देखो जरा मैं भी मैंने ये सोच के ऑर्डर किया था उसमें क्या आ रहा था ओरिएंट इलेक्ट्रिक आइटम रिक्वेस्ट फॉर फ्री इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड बाय ओरिएंट इलेक्ट्रिक है ना ये था कोई ब्रांड इंस्टॉलेशन सपोर्ट ऐसे करके ये कोई बंदा था है ना और उस समय तो मैंने ऑर्डर कर दिया बाद में देखा कि दिस प्रोवाइडर डज नॉट सर्व एट फाइव फोर थ्री जीरो मेरा जो पिन कोड है ये मैंने बाद में देखा कि ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं देता तो तुम अगर नहीं दे रहा था तो क्यों ऐड करवाया खैर जो भी रीज़न हो अब जो आ गया सो आ गया उतना मैंने दिमाग नहीं लगाया और दूसरा क्या रीज़न था ऑडियंट का नाम सुना सुना था वारंटी वगैरह ठीक थी लोकल है लोकल लोग यहाँ पे जाते चलता है ना दिल्ली ऐसा नहीं है कि तुम ब्लाइंडली किसी को जानते ही नहीं हो छोटा शहर है तो एक आध बार सर्विस सेंटर सर्विस इंजीनियर आ जाता है तो पहचान ही हो जाती नंबर रिसीव कर लेते हैं उसका फिर उसी को बुला लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे ये चलता है तो इसका नाम थोड़ा सुना सुना था रिव्यू एकदम मिले जुले थे कोई कह रहा था अच्छा है कोई कह रहा था बुरा है लेकिन वो कहता ना आ, क्या कहते हैं उसको कचरा से जो ठीक ठाक बेस्ट ऑफ दर्स्ट जो लगा मैंने कर दिया कि यार थोड़ा ये देखना भी था क्योंकि ऑनेस्टली बताओ यार वो जो कोई ना कोई बी एल सी फ़ैन तो लेना था वो गर्मी से परेशान हो गया था पंखा चलता नहीं था अल्टीमेटली कर दिया ऑर्डर पंखा में कोई इशू वीडियो दिखा दिया था शुरू में थ्री और फोर सॉरी थ्री तक ठीक है फोर और फाइव स्पीड में आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है ऑनेस्टली बताऊँ थ्री तक फैन में इतना हवा दे देता है जितना तुम्हारा नॉर्मल पंखा पाँच में देता है अब कोई आके टेक्निकल रिव्यू और ये सब करने लग जाएगा लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब तीन पे रहता है ना फैन इनफ रहता आता है एक छोटे बारह बच्चों के रूम के लिए इनफ रहता है एक पर्टिकुलर हाइट के लिए एयरफ्लो में ऐसा कोई इशू नहीं था फ्लो खूब बढ़िया था थर्ड तीन पर आके ना फ्लो बहुत अच्छा हो है उसके ऊपर भी है ज़्यादा एयर फ्लो लेकिन फिर वो आवाज़ ज़्यादा करने लग जाता है स्टार्टिंग में जाकर एकदम हल्का सा कुछ ऐसा नहीं बहुत देर बंद है दबाया तो हल्का सा खूं किया फिर मतलब आवाज़ तो नहीं करता लेकिन हल्का सा पीछे घुमा फिर स्टार्ट हो गया कोई इशू नहीं है इंस्टॉलेशन वाले हमने बता दिया घंटा नहीं कोई इंस्टॉलेशन है अभी वो कह दिया कि डेढ़ सौ रुपये मैं ऑरिएट देगा इंस्टॉलेशन उस समय मैंने ओरिएंट वाले को फ़ोन करके पूछा था कि भैया कुछ है इंस्टॉलेशन का पैसे ले लो इंस्टॉल कर लो बोले नहीं है ही नहीं ऑप्शन ही नहीं है बेल्ड से इंस्टॉल करने का हम करेंगे ही नहीं बोला चलो टाइमर फंक्शन आज तक कभी ट्राई नहीं किया एक चीज़ का मुझे डाउट था कि ऐसा तो नहीं होगा कि सलाह लाइट कट जाएगा तो हो गया पंखा ही बंद मतलब लाइट कट गया और फिर लाइट आ गई तो वो बंद का बंद पड़ा फिर जाके बार बार ऑन तो नहीं करना पड़ेगा नहीं वैसा कोई इशू नहीं लास्ट जो तुमने सेट कर दिया था उतना एटलीस्ट पंखा में सेव हो जाता है लाइट जलता बलता नहीं है लेकिन जब तुम रिमोट से बटन दबाओ तो वो भूख ऐसा करके जलता है अच्छा मैंने वीडियो दिखाया ठीक है तो यही रीज़न था बी फ़ैन लेने का और अगला सवाल होगा और मैं खरीदूँगा हाँ भाई अभी एक बार जॉब लग जाए फर्स्ट और लास्ट रूम में तीन रूम है ना फर्स्ट और लास्ट रूम में पुराने सरे हुए पंखे लगे हुए हैं दोनों को हटा के वहाँ पे ये वाला पंखा लगेगा और भले पुराना पंखा को फेंकना के पड़े लेकिन लगेगा यही वाला क्योंकि भाई गर्मी लगती है तो हालत ख़राब हो जाती है सही बता रहा दो हर के सबके घर में सब जगह तो एसी लग नहीं सकता बीच वाले रूम में एक जगह एसी लगा है अच्छा एसी के लिए आ, ये बता दो मान लो ये इस पंखे को तुम एसी में लगा रहे हो तो इसका जो एक नंबर और दो नंबर है ना ऑलमोस्ट साइलेंट है मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं करता तो अगर तुम साइलेंट में ये चला रहे हो ए चला रहे हो है ना कम पावर में ए चला रहे हो और पंखे से तुम रूम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जैसा लोग जनरली करते हैं और लोग कहते हुए हैं कि करना चाहिए लेकिन स्पीड कम रखनी चाहिए फ़ैन तो एक की स्पीड में बहुत आराम से चलता है अच्छा इंस्टॉलेशन का मैंने खुद से किया खोला सब कुछ उसमें जैसे जैसे लिखा था इतना तो पंखा इंस्टॉल किया खुद से किया खुद से लटकाया कुछ वैसा स्पेशल नहीं था कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं था हो गया आराम से है ना कुछ दिन तक वेट किया कि यार ब्रांड वाला आएगा इंस्टॉल करेगा लेकिन घंटा को नहीं आया अच्छा और एक बार एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ पंखा वाला कुछ याद आ जाए अचानक से तो रिमोट नॉर्मल रिमोट है कुछ ये नहीं ये दिखा रहा हूँ मैं ये एक पे करके आवाज़ आएगी और ये दो ये देखा हर बीच में हल्का सा लाइट है दिखा ना वो लाइट है मतलब जब ये होता है क्या कहते हैं उसको बटन दबाने पर तीन में हल्का सी आवाज़ आ रही है लेकिन तीन में एयर फ्लो इनफ हो जाता है काफ़ी अच्छा एयर फ्लो हो जाता है तीन में चार में सुन लो आवाज़ तेज़ होगी है ना मैं चार और पाँच में आवाज़ ज़्यादा होने लगी ले जाती है लेकिन कभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी जरूरत नहीं पड़ी और हाँ पाँच के बाद एक और है बूस्ट ठीक है ये खुद से लगाया है ऊपर चढ़ के टेबल वेबल लगा के किसी तरह कर लिया इंस्टो और उतना गुस्सा है नहीं कुछ और बताए गया बाकी कुछ होगा कमेंट वमेंट करो बता दूँगा ऐसी कोई बात नहीं कुछ स्पेशल थोड़ी पंखा ही है ठीक है